कहाँ पर है कानून, किधर है कानून के तहफ़ कहाँ पर हो रही है, कानून का प्रोटेक्शन कहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर कानून के ध्वजे उड़ाए जा रहे हैं, कानून अपने मुताबिक चलाया जा रहा है, तो उसकी कोई औकात नहीं है सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट के जजों के उस परिषद के खिलाफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने वो पिटीशन फाइल करती है। एक मामूली स्पोक्स पर्सन एक औरत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट डिवीजन बेंच अगर कमेंट्स करती है तो वो उनको तकलीफ होती है, तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगर खिलाफ अगर बयान अगर देती है तो किसको बर्दाश्त होगा। मेरा कोई हक नहीं बनता कि मैं आपके मज़हब के ताल्लुक से कोई तनकीद करूं, और आपका कोई हक नहीं बनता कि मेरे मज़हब के ताल्लुक से कोई तनकीद करे। यहाँ पर एक औरत, एक जाहिल औरत अगर बयान देती है तो उसके ताल्लुक से उनको कोई कार्रवाई नहीं होती उनके ख़िलाफ़। किसी को भी किसी के मज़हब के ख़िलाफ़ बयान देने का किसी को भी हक नहीं है। कुछ दिन पहले नूपुर शर्मा बीजेपी की स्पोक्स पर्सन ने एक टीवी चैनल पे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से बयान दिया था, जिसके बाद मुल्क भर में एहतजाज हो गए, हंगामा हुआ, कई जगह पर फसादात भी हुए हैं, और इसके बाद मुख्तलिफ़ रियासत में, इस मुल्क के मुख्तलिफ़ रियासत में नूपुर शर्मा के उस बयान के ख़िलाफ़ कई केसेस रजिस्टर्ड हुए। उसके ताल्लुक से नूपुर शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट से एक अर्ज़ी डालकर मुतालबा किया कि जितने भी उनके केसेस अलग अलग स्टेट के अंदर जो केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं उन तमाम केसों को क्लब कर दिया जाए। ये मुतालबा सुप्रीम कोर्ट से किया था जब इसकी आर्गूमेंट हो रही थी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो डिवीज़न बेंच थी उसमें उनके जो बयान थे उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, उनको तनखीद किया कि आपने ये बयान जो दिया है जिसकी वजह से आज मुल्क जल रहा है, ऐसे ऐसे कमेंट्स जो है नूपुर शर्मा के ताल्लुक से दिया गया। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक बीजेपी की स्पोक्स पर्सन अगर कहती है, अगर गलत बयान देती है, जिसको मुस्लिम कम्युनिटी कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। किसी को भी किसी के मज़हब के ख़िलाफ़ बयान देने का किसी को भी हक नहीं है। और यहाँ पर एक औरत, एक जाहिल औरत अगर बयान देती है तो उसके ताल्लुक से उनको कोई कार्रवाई नहीं होती, उनके खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होती, उनकी गिरफ्तारी ले आज तक नहीं होती, जिसके लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस के खिलाफ भी फटकार लगाई और उनको कहा कि अब तक क्या रेड कार्पेट बिछाने वाले हैं आप। ऐसे ऐसे कमेंट सुप्रीम कोर्ट के सामने आते हैं तो बड़े अफसोस की बात है। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर ये मुल्क के अंदर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। मैं अपने मज़हब के मुताबिक मैं इबादत करूँगा, आप अपने मज़हब के मुताबिक अपनी आप इबादत कीजिए। मेरा कोई हक नहीं बनता कि मैं आपके मज़हब के ताल्लुक से कोई तनकीद करूं, और आपका कोई हक नहीं बनता कि मेरे मज़हब के ताल्लुक से कोई तनकीद करे। तो यहाँ पर हर आए दिन ऐसे बयान हो रहे, लेकिन उनके ताल्लुक से कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ज़ुबैर मोहम्मद ज़ुबैर जो आल्ट न्यूज़ का को फाउंडर है, उसके ताल्लुक से अगर वो पुराना ट्वीट अगर करता है तो वो ट्वीट को डिलीट होने के बाद उनके कई दिनों के बाद उसके गिरफ्तारी होती है। एक मामले अगर ट्वीट अगर करता है तो उसकी गिरफ्तारी होती है। सेक्शन 153A डाला जाता है, 295A डाला जाता है, और 201 भी डाला जाता है, डिसअपीयरेंस ऑफ एविडेंस। क्यों? कि उन्होंने ट्वीट को डिलीट कर दिया, जिसके लिए 201 जो यानी डिसअपीयरेंस ऑफ एविडेंस करने की कोशिश की, और उनको जेल में अंदर डाला जाता है। यहाँ पर नूपुर शर्मा ने पूरे मुल्क में यहाँ पर हर जगह पर एहतजाज हो रहा है, इतना हंगामा पूरे मुल्क भर में हो रहा है, इतना यहाँ पर कई लोगों के लोग बेघर हुए हैं, कई लोगों को जेल में डाला गया है एक स्टेटमेंट के ऊपर, और उसको वाइस सिक्योरिटी जेड सिक्योरिटी उसको दिया जा रहा है। उसके लिए सिक्योरिटी है जो एक मामले ट्वीट डालता है तो उसको जेल को भेजा जाता है। और अफसोस इस बात का है, मैं आप लोगों के सामने ये कहना चाहता हूँ, बड़े अफसोस के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ पर उनके ताल्लुक से तनखीद जो किया है वो, और सुप्रीम कोर्ट की जो तनखीद थी, जो उनके खिलाफ कमेंट्स थे, नूपुर शर्मा को तकलीफ़ हुई है। इतनी तकलीफ़ हुई है कि नूपुर शर्मा ने एक पिटीशन तैयार किया, एक पिटीशन तैयार करके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया
रामण्णा साहब के सामने एक पिटीशन फाइल करते हैं और कहती है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो मेरे खिलाफ जो कमेंट्स जो पास किए हैं, मेरे ताल्लुक से जो कमेंट्स किए हैं वहाँ पर उन्होंने तनकीद किया है, सुप्रीम कोर्ट के जो वो जो अल्फाज हैं उसको वापस लिया जाए बोलकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने पिटीशन फाइल करते हैं। एक मामूली स्पोक्स पर्सन एक औरत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट डिवीजन बेंच अगर कमेंट्स करती है तो वो उनको तकलीफ होती है, तो आप प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ अगर बयान अगर देती है तो किसको बर्दाश्त होगा? तो उसकी कोई औकात नहीं है सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट के जजों के उस तनखीद के खिलाफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने वो पिटीशन फाइल करती है। तो मैं यहाँ पर यही कहना चाहता हूँ, एक जुबेर अगर यहाँ पर दो किस्म के और हैं, जो बीजेपी का होता है उसको प्रोटेक्शन दिया जाता है, जो बीजेपी को आईना दिखाता है तो उसको जेल में भेजा जाता है। तो यहाँ पर कानून राइट टू इक्वालिटी संविधान और कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, सिर्फ बात करने से नहीं होगा, यहाँ पर राइट टू इक्वालिटी होना चाहिए। अगर उन जुर्म करता है, उन जुर्म करती है तो उसको जेल के अंदर क्यों नहीं भेजा जाता है? उसके बयान की वजह से तो आज यहाँ पर फसादत हो रहे हैं। तो वहाँ पर सिर्फ 153A, 295A के तहत उसको केस नहीं करना चाहिए था, जबकि उसको भी UAPA के तहत उसको जेल में डालना चाहिए था। और जुबेर को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, उसमें रूलिंग है, गाइडेंस है पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को, जो 7 साल की जो सज़ा होती है, 7 साल के सज़ा के अंदर जितने भी कलम अगर डाले जाते हैं तो उनको 41 CRPC के तहत नोटिस इशू करना चाहिए। यहाँ पर जुबेर को जो गिरफ्तारी की गई उसको कोई नोटिस नहीं दिया गया, कोई नोटिस 41 CRPC के अंदर नोटिस क्यों नहीं दिया गया? सुप्रीम कोर्ट ने अर्नेश कुमार के जजमेंट, अर्नेश कुमार वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार, आप गूगल पर सर्च करके देखिए, उसके अंदर गाइडलाइंस है, डायरेक्शन है सुप्रीम कोर्ट के, अगर कोई पुलिस ऑफिसर बिना 41 CRPC के गिरफ्तार अगर करता है तो वो इलीगल डिटेंशन होगा। अगर गिरफ्तार कर अगर मजिस्ट्रेट के सामने अगर हाजिर करता है और मजिस्ट्रेट बिना 41 CRPC को कॉम्प्लाई करे के हाजिर करे हैं नहीं करे, बिना अगर इंक्वायरी करे के उसको अगर रिमांड भी करते हैं तो जुडिशल ऑफिसर के खिलाफ भी कार्रवाई होने का गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट का अर्नेश कुमार वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार के अंदर है। कहाँ पर है कानून? किधर है कानून के तहफ़ कहाँ पर हो रही है? कानून का प्रोटेक्शन कहाँ पर हो रहा है? यहाँ पर कानून के धज्जे उड़ाए जा रहे हैं, कानून अपने मुताबिक चलाया जा रहा है, कानून अपने मुताबिक लोगों को टारगेट किया जा रहा है कानून के जरिए से। तो यहाँ पर ये ख़त्म होना चाहिए, एक लेवल होता है, बर्दाश्त होती है। मैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ जितने भी हुकूमत में हैं, इख्तदार में, उनसे कहना चाहता हूँ कि ये जो आपका डिक्टेटरशिप है ये ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगी। यहाँ पर अदालत के ऊपर तो हम भरोसा करेंगे, हम अदालत के ऊपर भरोसा करते हैं, अदालत के ऊपर पूरा फेथ करते हैं, लेकिन अदालत को भी चाहिए कि यहाँ पर देखना होगा, यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन जात पात के बुनियाद पर, पार्टी के बुनियाद पर डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, पॉलिटिकल पार्टीज के बुनियाद पर डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। तो यहाँ पर अल्टीमेटली आखिरी रास्ता तो अदालत का ही होता है। अगर अदालत अगर हमारा साथ नहीं देंगे, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसको अगर प्रोटेक्शन नहीं करेंगे तो कौन करेगा? कोई नहीं करेगा, और हम खाली सिर्फ खामोश बैठना होगा, कुछ नहीं कर सकते। अगर कोई आवाज़ अगर उठाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है।